दुष्यंत तो बड़ा पढ़ा लिखा है और पीएचडी कर रहा है, राजनीति में ही कर रहा है पीएचडी मेरे ख्याल से, और डॉक्टर अजय सिंह जी ने भी राजनीति में पीएचडी करी है। इनका राजनीतिक इतिहास थोड़ा खराब है। देखिए जी, हुड्डा साहब की चिंता जो है वो प्रदेश के लोगों की नहीं है, वो आम लोगों की नहीं है, वो किसानों की चिंता नहीं है, उनके मन में कोई मजदूरों की चिंता नहीं है, उनके मन में चिंता है मैं दीपेंद्र को कैसे आगे करूं। वो कह रहे हैं कि जैसे हरियाणा विधानसभा, चंडीगढ़ की विधानसभा का जो ताला हमारी चाबी से खुला, वैसे ही हम राजस्थान की जो विधानसभा है उसका ताला भी हमारी चाबी से खुलेगा। ताला तो इनके लग लिया, अब थोड़े दिन के लिए विधानसभा का बचा है, वो भी थोड़े दिन बाद बंद हो जाएगा। 25 सितंबर को कैथल की अनाज मंडी में चौधरी देवीलाल का सम्मान समारोह मनाया जा रहा है और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल द्वारा जो है कि किस प्रकार रैली की जो है वो तैयारियां की गई है और लगभग लगभग काफी सारी तैयारियां जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। इनेलो की तरफ से ये भी दावा किया जा रहा है कि ये नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी रैली इतिहास में वो होने जा रही है। लेकिन आखिर हमारे साथ बातचीत करने के लिए इन तमाम मुद्दों को लेकर कुछ और भी सवाल बातचीत हम करेंगे, इनेलो के नेता अर्जुन सिंह चौटाला है। चौटाला साहब, अगर हम बात करें कल आपकी जो रैली होने जा रही है, क्या कुछ इसका महत्व आप मानते हैं, क्योंकि लंबी परिवर्तन यात्रा आपने निकाली आपकी पार्टी ने और जिस तरीके से पार्टी का ग्राफ अगर मैं विधायकों की संख्या के हिसाब से देखूं, लंबे समय से आप लोग सत्ता से बाहर हैं, करीब करीब 20 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, तो कितना परिवर्तन आपको कल देखने को मिलेगा? देखिए जी, परिवर्तन हमने तो देखा है, जब हमने हरियाणा परिवर्तन पदयात्रा में जब हम चले थे हमने परिवर्तन तो देखा है। कल तो आप ये समझिए कि हम पूरे प्रदेश को ये परिवर्तन दिखाने का काम करेंगे, किस प्रकार से आज सारा प्रदेश तमाम पार्टियों से तंग आकर के दोबारा अपनी आस्था जननायक चौधरी देवीलाल की नीतियों में जता रहा है, इंडियन नेशनल लोकदल में जता रहा है। और रही बात कल की, तो आप ये मान करके चलिए एक ऐसी रैली होने वाली है जिसमें केवल हरियाणा के नहीं बल्कि मैं कहूंगा पूरे देश के समीकरण बदलने जा रहे हैं। आपने कहा पूरे देश के समीकरण बदल जा रहे हैं। अगर मैं काफी साल पहले के इतिहास में चला जाऊं, जब जनता दल का गठन हुआ था और चौधरी देवीलाल जी के नेतृत्व में वो सारी चीजें हुई थी, उन्हीं का आप सम्मान दिवस लगातार मनाते आ रही हैं, वो उस तमाम उसकी बात करूं, बड़े नेता उस तरीके के नेता जो है वो यहाँ शामिल होंगे, लेकिन इंडिया सब जब से इंडिया कहीं ना कहीं गठबंधन बना है उसको लेकर भी चर्चाएं जोरों से हैं। आखिर कितने इंडिया अलायंस के अंदर जो नेता है वो कल आपके यहाँ आने वाले हैं? अलायंस के लगभग लगभग सभी नेता आने जा रहे हैं। नीतीश कुमार जी आ रहे हैं, तेजस्वी यादव जी आ रहे हैं, अखिलेश यादव जी आ रहे हैं, सत्यपाल मलिक जी आ रहे हैं, साथ ही साथ शरद पवार जी आ रहे हैं, आदित्य ठाकरे जी आ रहे हैं, तमाम पूरे देश भर से जो आप कह सकते हैं इंडिया के नेता, और हम तो सिर्फ इंडिया के नेता नहीं कहेंगे, हम तो कहेंगे जननायक बड़े चोई साहब के पुराने साथी कि ऐसे भी हैं जो शायद इंडिया के भाग में अभी ना हो, लेकिन जननायक चौधरी देवीलाल जी के सभी साथी और तमाम इंडिया के नेता सभी यहाँ पहुंचने जा रहे हैं। जी, आपने काफी नेताओं का नाम गिनाया। अभी हाल ही में हम बात करें, अभय सिंह चौटाला ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की थी, उनकी तरफ से भी कहीं ना कहीं आपसे बात की गई होगी कि वो आएंगे या उनकी तरफ से कोई और आएगा, लेकिन इसमें जो मेरा सवाल है, आपके ही पार्टी जो आपके परिवार से निकल कर गई, उनको वो कहीं ना कहीं बार बार लगातार ये कर रहे हैं कि जिस कांग्रेस से इनेलो को एलर्जी थी, जिस कांग्रेस से चौधरी देवीलाल को ओम प्रकाश चौटाला को एलर्जी थी, आज अपने स्वार्थों के लिए वहां फिर जा मिले। ये एलिगेशन किसने लगाया आप बताएंगे एक बार मेरे को? दिग्विजय चौटाला। दिग्विजय वकील साहब ने लगाया है, ना केवल उन्होंने लगाया है, डॉक्टर अजय सिंह जी ने भी लगाया है, दुष्यंत ने भी लगाया है। और ये दुष्यंत तो बड़ा पढ़ा लिखा है और पीएचडी कर रहा है, राजनीति में ही कर रहा है पीएचडी मेरे ख्याल से, और डॉक्टर अजय सिंह जी ने भी राजनीति में पीएचडी करी है। इनका राजनीतिक इतिहास थोड़ा खराब है, जिन्होंने पीएचडी करी शायद से उनको अभी तक पूरे इतिहास की ज्ञान नहीं है। मैं बता देता हूँ, 1990 के अंदर 89 के बाद जब पहला थर्ड फ्रंट की जो पार्टी थी जिसमें विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री थे, जब वो सरकार गिरी थी, बड़े चोई साहब ने इस देश के अंदर एक और जनता दल की सरकार बनाने का काम करा, जब चंद्रशेखर जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम। आउटसाइड सपोर्ट किसने दिया था इनको शायद ना पता हो, इनकी पढ़ाई थोड़ी कम है, सारे वकील हैं इनके घर में। तो उस समय कांग्रेस ने आउटसाइड सपोर्ट देने का काम करा था। हमारी लड़ाई किसी एक पार्टी से नहीं, हमारी लड़ाई जननायक चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा को आगे बढ़ाने की। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी इस बारे में खुल करके कह चुके हैं, चाहे
आज इस प्रदेश के अंदर डेमोक्रेसी को एक बहुत बड़ा खतरा है। ठीक है, आज पत्रकारों के आप देख सकते हैं किस तरह से जो बड़ी मेन स्ट्रीम मीडिया है इस पे एक सिंगल पार्टी ने कब्जा कर दिया। आज लोगों को बोलने नहीं दिया जा रहा। ये बीजेपी, आप ये मान के चलो, ये तो एक ऐसी पार्टी हमने देखी, ये पार्टी कम और वॉशिंग पाउडर का ज्यादा काम करती है। तो निर्मा जैसी है कि जब तक भारो काले और जैसे ही निर्मा से धुलके गए बीजेपी आड़े से सारे सफेद हो जाते हैं। ये डेमोक्रेसी नहीं है, सच्चाई तानाशाही है। और इस तानाशाही के खिलाफ की लड़ाई के अंदर हम कोई भी कदम उठाने को तैयार है। मैं इनको याद दिलाना चाहता हूँ, बड़े चोई साहब वो इंसान है जिनसे हमने सीखा है त्याग क्या होता है, सैक्रिफाइस क्या होता है। अगर हमें कोई सैक्रिफाइस करना पड़े तो हम करेंगे, क्योंकि हमने बड़े चोई साहब से सीखा है। ये वो लोग हैं जो कह रहे हैं, जिन्होंने आज तक अपनी जिंदगी में हमसे कहते हैं कि तो उंगली कटाने का काम करते हैं, मैं तो कहता हूँ इनकी उंगली में कभी तिल्ला भी लग गया हो तो मेरे को बता दियो। ये कहाँ त्यागी लोग हैं, ये तो बाजनीय लोग हैं। आप कह रहे हो कि हम कहीं ना कहीं देश को बचाने के लिए, प्रदेश को बचाने के लिए कोई भी त्याग करने के लिए तैयार है, लेकिन मैं हरियाणा की अगर संदर्भ में बात करूं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल के मुख्यमंत्री रहे, वो तो लगातार बहुत दिनों से बयान दे रहे हैं हमें इंडिया में इनेलो की जरूरत नहीं है, हम लड़ने में सक्षम है, सरकार बनाने में सक्षम है। देखिए जी, हुड्डा साहब की चिंता जो है वो प्रदेश के लोगों की नहीं है, वो आम लोगों की नहीं है, वो किसानों की चिंता नहीं है, उनके मन में कोई मजदूरों की चिंता नहीं है। उनके मन में चिंता है मैं दीपेंद्र को कैसे आगे करूं। ठीक है, सिर्फ एक चिंता है उनके, और कुछ नहीं है। जो पार्टी अपने खुद के एमपी को अपने प्रदेश से नहीं जिता सकती, बाहर के एमपी, बाहर के नेताओं को यहां भेजा जा रहा है, यहां के नेताओं को बाहर एमपी बनने के लिए भेजा जा रहा है, ये फूट दिखाता है इनकी पार्टी की। जिस इंसान को केवल और केवल अपने पर्सनल मतलब से आगे दिखेगा ही नहीं, उसको तो हर तरह की आपत्ति होगी इंडियन नेशनल लोकदल से, थोड़ी क्या ज्यादा होगी। लेकिन ना तो कांग्रेस पार्टी के वो सर्वे सर्वा है, जो सर्वे सर्वा कांग्रेस के, उन्होंने फैसला करना है, भूपेंद्र हुड्डा जी का ये फैसला है ही नहीं। वो केवल और केवल आप लगा लो इस नैया के अंदर वो एक पैसेंजर की तरह है, उनको बैठे भी जहां जाएगी उनको जाना पड़ेगा, नहीं मन करे तो कूद जाओ इससे, और तो क्या है। आपने अपने परिवार की बात की थी, आपके ताऊ अजय सिंह चौटाला की बात करें या आपके दोनों भाई दुष्यंत और दिग्विजय की बात करें, आप भी यहाँ सम्मान समारोह मना रहे हैं, वो राजस्थान में मना रहे हैं जहाँ पे चौधरी देवीलाल जब 3 चुनाव लड़े थे तो सीकर और 2 चुनाव जो थे, यानी कि सीकर उनमें से एक था तो जीते थे, वो कह रहे वहां अपना सम्मान समारोह बनाएंगे। वो लगातार दावा कर रहे हैं कि किसमें पावर किसमें ताकत ज्यादा है उसकी गिनती सिरों से होती है। तो उनका दावा है कि जो हमारी सीकर में जो रैली होने वाली है वो बहुत बड़ी रैली होगी, बहुत सारे कलाकार आर्टिस्ट यहाँ आ रहे हैं। और इसी कड़ी में एक बात और कह रहे हैं, क्योंकि राजस्थान में चुनाव भी है, वो कह रहे हैं कि जैसे हरियाणा विधानसभा, चंडीगढ़ की विधानसभा का जो ताला हमारी चाबी से खुला, वैसे ही हम राजस्थान की जो विधानसभा है उसका ताला भी हमारी चाबी से खुलेगा। ताला तो इनके लग लिया, अब थोड़े दिन के लिए विधानसभा का बचा है, वो भी थोड़े दिन बाद बंद हो जाएगा। जिस पार्टी के एक प्रदेश में, मैं कहूँ 10 विधायक है, वो दूसरे प्रदेश में कहाँ जाके वो करने। आज बीजेपी वाले इनको कह रहे हैं, रोज कहते हैं कि इनको हम यहाँ सीट नहीं देंगे, ये राजस्थान जाके सीट मांग रहे हैं उनसे। आप एक बार खुद सोचो, इनको ये कुछ नहीं है, ये केवल और केवल इनको बीजेपी के हाईकमांड से आदेश है कि भाई वहां जाओ, वोट खराब करो, वोट को डिवाइड करो, ये उस चीज को करने जा रहे हैं। ये केवल और केवल आप लगा ले जो चेस के गेम में वो प्यादे नहीं होते, ये बीजेपी का एक प्यादा है, इन्होंने जहां इनको चलाने का मन करिए चला देंगे। इनको दिल्ली भी बड़ा भेजा है, इनको राजस्थान भी भेजेंगे, मन करेगा इनको यूपी भी टपा देंगे। ये इससे ज्यादा इनकी कोई अहमियत नहीं है उस संगठन के अंदर, उस एनडीए के अंदर। और रही बात सर गिनने की, बात कहते हैं, मैं तो कहता हूँ गिन लो, मैं तो खुला कह रहा हूँ कि आप गिनो। मैं और ये भी कहूंगा कि जरा वहां गिनना हरियाणा से कितने सर गए हैं, आपको इनकी असलियत भी पता चल जाएगी। जिस पार्टी की आज एक विधायक तो कहते हैं कि भाई तहसीलदार मेरी नहीं सुनते, एक विधायक इनका नाराज बैठा है, एक विधायक को तो उसके क्षेत्र के लोगों ने मुर्गा बना दिया था। कभी सुना है क्या विधायक को कभी मुर्गा? हम सुना करते थे टीचर बनाती है स्टूडेंट को, ये विधायक को लोगों ने मुर्गा बना दिया था। क्या बात करो, इस पार्टी के आज ऐसे हालात हो गए इस प्रदेश के अंदर कि ये खुद अपने स्टेट के अंदर नहीं रह सकते। ये आज सर गिनाने की बात करें, पिछले 4 साल कहां गिनाए इन्होंने सर, कहां करी इन्होंने रैली? कभी कोरोना का बहाना मार देंगे, कभी कोई बहाना मार देंगे, कभी कोई बहाना मार देंगे। अगर दम था तो हम तो हर साल लगातार मनाते आए हैं बड़े चोई साहब की जन्म, आप मना करके दिखाओ, हर साल मना करके दिखो, कोई आपके आने को ही नहीं तैयार आज के दिन। अंतिम में आप क्या अपील करेंगे कि चौधरी देवलाल की हम बात करें, क्योंकि वो सबके नेता थे, सिर्फ हरियाणा ही नहीं पूरी देश दुनिया में कहीं उनका नाम जो है वो इज्जत सम्मान के साथ लिया जाता है, और कल उनका सम्मान समारोह जननायक चौधरी देवीलाल जी के जयंती पर। पूरे हरियाणा के सभी साथियों को मैं यही कहना चाहूंगा कि आप सभी कल यहाँ जरूर कैथल में नई अनाज मंडी पहुंचने का काम करें,
और जननायक चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा को आगे बढ़ाने का कार्य करें। बड़े चोई साहब की एक ऐसी विचारधारा रही है जिसके अंदर उन्होंने हमेशा माना है कि सरकार की जितनी भी सुविधाएं हैं वो देश के हर इंसान तक पहुंचनी चाहिए और हम उसी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं तो ये कहूंगा आप सभी भी आए और इस विचारधारा को आप और हम मिलकर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में बढ़ाने का काम। बहुत शुक्रिया अर्जुन जी बातचीत करने के लिए। तो ये थे इनेलो के नेता अर्जुन सिंह चौटाला और आप देख सकते हैं कि अर्जुन चौटाला खुद जो है वो तैयारियों का जायजा लेने यहाँ जो है एक दिन पहले यहाँ आए थे और जिस प्रकार अर्जुन चौटाला ने जो दावा किया है, क्योंकि हम बात करें कि जननायक जनता पार्टी की, उनकी तरफ से भी जो है सिक्कर में सम्मान समारोह ताऊ देवीलाल का मनाया जा रहा है और उसी कड़ी में इनेलो भी 25 सितंबर को कैथल की अनाज मंडी में सम्मान समारोह मना रही है। जिस तरह के बयानात, जो आरोप प्रत्यारोप जो परिवार के बीच और पार्टियों के बीच चल रहे हैं, उन तमाम सवालों हमने अर्जुन चौटाला से किए और किस प्रकार के उनके जवाब रहे, और आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार इनेलो की तरफ से दावा किया जा रहा है भविष्य को लेकर, आपको क्या लगता है कौन सी रैली ज्यादा तकड़ी होने वाली है, और या फिर यूं कहे कि अगर वोट की ताकत से देखें या फिर लोगों की ताकत से देखें तो आखिर भविष्य में किसकी सरकार बनने जा रही है? वीडियो जर्नलिस्ट अमित दलाल के साथ सुरेंद्र नैन, बिंदास, हरियाणा।